जैसे आप नंबर्स के इंडियन इंटरनेशनल सिस्टम, इंडियन नंबर सिस्टम या इंटरनेशनल नंबर सिस्टम का बनाते हो उस प्रकार इसके लिए आप ओके क्या है? अब आप देखिए पहले मिडिल वाला आपका डेसिमल आएगा, इससे पहले 1, 10, 100, 1000, 10,000, 10 लाख आपको पता है, लेकिन जो राइट हैंड साइड है जो डेसिमल पार्ट से वो कैसे लिखते हैं देखो, टेंथ क्या होती है, टेन टेन लिख के THS लगा देना, 100 लिख के THS लगा देना, 1000 लिख के THS लगा देना, समझ में आ गया? तो उस प्रकार की जो आगे 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 आप बढ़ते रहेंगे। तो आप देखिए डेसिमल प्लेस कैसे मैंने लिखा, डेसिमल की लेफ्ट हैंड साइड जो होल नंबर ऐसे लिखेंगे 1, 10, 100, 1000, उसके बाद जो राइट हैंड साइड में जो डेसिमल पार्ट्स होती है 10th, 100th, 1000 वो आएगा। इसका 10th का मतलब क्या है 1/10, 100th का मतलब क्या है 1/100, 1000th का मतलब क्या होता है 1000। अब हम नंबर को वार्ड में कैसे लिखें, 5.009 या 5 and 9000, क्योंकि वो देखो पॉइंट के बाद कितनी जीरो है, कितनी डिजिट है बेटा, तीन, तो 1000 में तीन जीरो होती है, तो इसलिए आपका 1000। इसमें देखो बेटा 12.07 या दूसरा क्या लिखोगे 12 and 700, क्योंकि ये 10th होता है, ये 100th होता है, ठीक है, तो 12 and 700 क्या हो गया 100 में THS लगा दो। आइए आगे 0.75 और उसे कैसे पढ़ेंगे, 0 and 7500 क्या पढ़ेंगे, 0 and 7500, क्लियर हो गया। उसके बाद आ जाओ 0.635 या उस पैसे पढ़ सकते हैं 0 and जहां पॉइंट है वहां एंड लगाओगे 635000 THS, क्लियर हो गया। जितना आएगा पूरा पढ़ के कौन सी कहां तक है वो देखो, 1, 2, 3 तीन जीरो आने में मतलब 1000 पहुंच जाओगे, इसका मतलब 635000, क्लियर हो गया। यस सर। अगर उसको आप लिखना चाहोगे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखोगे तो इसको कैसे लिखोगे, इसको मैं बता दूं शुरू से, अगर 5.009 इक्वल टू 5 + 9/1, एक में कितने जीरो लगाओगे, तीन जीरो लगा दोगे तो 5 and 9000, क्लियर हो गया। अब आ जाओ इसमें 4 में, अगर आपको लिखोगे आप कितने 0.635, कैसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखोगे, होल नंबर तो कुछ है ही नहीं, तो इधर 6/10 हो गया, 3/100 हो गया, या 5/1000 हो गया, इसीलिए उसको बोलते हैं क्या है 635000, क्या होती है 635000। तो आपको प्लेस वैल्यू चार्ट क्लियर हो गया बेटा, या तो ऐसे आएगा उसको नंबर में लिखोगे, नंबर आएगा उसको डिजिट में लिखोगे, क्लियर हो गया बेटा। अगर कोई नंबर आता है आएगा 425.23, इसमें क्या दिक्कत है, समझ में आ गया। कभी आया 0.007 तो आप लिखो 0.007, कभी आपका आ जाएगा 4.1200, कौन मैंने क्या बताया 4.1200 हो गया, इस प्रकार कर पाओगे। अगर मैं और एक बात बोलूंगा 12.7000, तो किस में लिखूंगा मैं 1000 में लिखूंगा, तो इन दोनों में क्या करूंगा मैं 0 0, तो 12. क्या हो जाएगा 007 या 12 and 7000, तो 12 and 7000 के लिए 12.007 मुझे लिखना पड़ेगा। आपको मैंने डेसिमल कैसे रीड करते हैं और कैसे उसको नंबर अपने वार्ड में और वार्ड को नंबर में मैंने आपको बता दिया, क्लियर हुआ।